पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रात को चोरी करना पड़ेगा। सो गाइस, आज का हमारा सुबह कुछ इस तरह हुआ। तो हमारे लाहौल की हवाएं नमा आए हैं जिनके पास हम बचपन में बैठते थे, तो अभी हम पहुंच गए हैं उनके साथ जुंकुल गुम्पा। तो जुंकुल गुम्पा में अंदर वीडियो बनाने का अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर तक ही बने। मेन टेंपल में वीडियो बनाने का अलाउड नहीं था, तो यहीं थोड़ा सा कर लेते हैं। हेलो, हाय। इनके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रात को चोरी करना पड़ेगा। यूट्यूब लीजिए ने। अम्मा हेलो जरा। अम्मा हेलो लो ने। हेलो। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है, अब हम जाएंगे ऊपर 200 सीढ़ियाँ चढ़ के। तो अभी मैं बड़ा सा पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठ चुकी हूँ, ये देखो गाइस। और यहाँ से मैं कोशिश करूँगी गुम्पा का पूरा व्यू लेने का। ये देखिए, ये है हमारा जुंकुल गुम्पा। और यहाँ से ठीक अपोजिट पे एक बहुत ही थोड़ा सा कम सा वाटरफॉल है। जूम करने की कोशिश करूंगी, पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना अच्छा आएगा जितना हम देख पा रहे हैं। ये देखिए गाइस, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। फिर उसके बाद कुछ इस तरह है। फिर अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये हमारे आचो अंगिल जी आवा तो बड़े पहुँच गए। सो गाइस, ये देखो मुझे कौन मिले हैं, द माय फ्रेंड मिस्टर माइक। तो कहते हैं ये आचो जी का कितना बार है? ये मेरा इसी साल में फोर्थ टाइम। अम्मा, इसी साल में चौथा टाइम? जी, जो जुलाई में मैं दो बार आया था, अगस्त में एक बार, वो उस टाइम तो तीनों बार मैं टूरिस्ट के साथ आया था। अच्छा, इस बार आप? तो इस बार मैं खुद अपने पेरेंट्स लेके आया हूँ, तो अभी गया है। तो दिस इज माय फोर्थ टाइम। तो ऊपर क्या है? ऊपर नरोपा की एक तो डुपुक भी है। अच्छा। और एक वो ऊपर जो जबजेस भी है। ओके। तो इससे पहले जब मैं 2018-19 में आया था, तब उस टाइम तो वहाँ कोई जो अध्ययन करना लामा जी भी बैठे थे वहाँ पे, शाम बोलते हम शाम के लिए जी मेडिटेशन कर रहे थे। तो वहाँ हम चुपके से गया, वहाँ दर्शन किया, फिर हम वापस आए। ओके जी, थैंक यू। बोलते हैं नरोपा की सबसे मतलब सक्सेसिव रिट्रीट। हेलो, बाय बाय। या इस गुम्पा का फाउंडर ही नरोपा है ना? नरोपा जी, नरोपा। ओके। ये देखो सब चल रहे हैं, जल्दी हेला, धीरे धीरे हे बेचारा। आवा तो पहुंच गया ऊपर, पूरे 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं। जुले अमले। चलो 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 चलो। ये देखो हमारे हीरो सुपर फास्ट, दर्शन भी कर लिया और वापस भी, ना फर्स्ट हम फास्ट जा रहे। ये होता पहाड़ी होने का फायदा। हम कुछ जो प्रैक्टिस नहीं किया था, हम कुछ जो अध्ययन नहीं किया, हम जो पूजा पाठ नहीं किया, ऐसे खत्म होते गया होते गया होते गया। फिर मुस्लिम ने हक कर दिया जी। फिर उसके बाद मुस्लिम का जो युद्ध आया था, फिर उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी भी तोड़ गया। फिर उस टाइम जो 12वीं 11वीं शताब्दी में नरोपा जी वहाँ कश्मीर आया, तो कश्मीर में एक उसकी टीचर से मिला की बोलते की तिलोपा। अच्छा, तिलोपा ने तिलोपा को पूछा। तिलोपा उसकी गिरगन था, बड़ा वो टीचर था। फिर क्या होता था, जैसे कि जैसे वहाँ पहुँचते ही उसको तो मन से उसको शक्ति भी होते थे, फिर उसको पता चला कि ये मेरा टीचर है। फिर बिना पूछे वो बिल्कुल यंचक कर दिया। यंचक कर दिया।
बोला तो यार मैं जैसा वो आप ऐसे ज्ञान सब क्यों कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं जानता है तिलो पानी बोला अच्छा बोला कि लामा खेन अच्छा जी मेरा लामा जी तो आप ही है अच्छा फिर उसके बाद बोलते है क्या कि लामा खेन मुझे मुझे छोड़ दे दो छोड़ दे दो फिर नरोपा के पास पूरा वो था क्या बोलता है मतलब नरोपा पूरा संघर्षित कर चुका अच्छा तो बोलते है कि उस टाइम क्या होता था वहाँ पे वो रिवर होते थे नदी हाँ। उसको बोलते बागमती रिवर अच्छा उसके साथ जो छह साल तिलोपा के साथ बैठा अच्छा। फिर उसके बाद छह महीना फिर वो घूमते गया जो लद्दाख में छह महीना बैठा यहाँ बैठा और हाँ। यहाँ से वहाँ क्या बोलते लमयरू गया अलग अलग जगहों में अध्ययन करते रहा अच्छा। फिर कहाँ जैसा बैठू कहा जैसा मतलब बैठेंगे तो हम सक्सेस करते हैं तो इसलिए वो एक जगह पे नरोपा ने पूरा छुछुछ के तिलोपा से अच्छा तिलोपा ने ये बोला था की नाला मी लामा मेत नामा थमचत खेन बोला की सो गाइस अभी हम मतलब हमने पूरा दर्शन कर लिए हैं 200 सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाला भी दर्शन कर लिया तो अब हम जाएंगे दूसरे गुम्पा सो मैं कोशिश करूंगी आज मैं कम से कम 5-6 गुम्पा को कैप्चर कर सकूं पर गुम्पा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता इसलिए सिर्फ गुम्पा दिखाऊंगी आप लोगों को। अब हम पहुंच गए हैं सन्नी खर पर यहाँ पे बहुत हवा चल रही है और सो गाइस ये देखिए ये गणेश छोटन स्तूपा तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा अच्छे से इसकी मरम्मत की जा रही है मिनट में कर्षा को ना पहुंचेगा इनको लगा 2 मिनट में कर्षा पहुंच गए है ना मजा आ रहा है हवा ने थोड़ा साथ भी दिया इस वेले आते तो और भी सुंदर होता वाह 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 तो अभी हम चल पड़े हैं तो हमारे मतलब 8 टाइप का दुठुत होते हैं तो ये उन्हीं 8 में से एक है इतना पता है मुझे बाकी ज़्यादा नहीं पता तो यहाँ पे हम अपना यहाँ हम दर्शन करेंगे तो ये देखो हमारा पलटन नखून रखने से हम ये विश रखते हैं कि जब एक दिन तो हम जो गुजर जाएंगे तो हम जिस दिन गुजर जाएंगे हम कुछ रख के जाते हैं उससे हम कुछ जैसे कि ऑफर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो हम कोई अंगूठी ये जो क्लिप कुछ ना कुछ देते हैं कुछ भी नहीं है तब भी हम दुआ करके आते हैं तो ये हमारा एक विश होते हैं तो कोई जो बल घोड़े का एक वो क्या बोलते हैं छोटा सा वो
हम तो घिचू बोलते हैं। बहुत गया मिस गए ना हम लोगों ने, जैसे कि ऐसे किया। तो अभी हम इसका परिक्रमा करेंगे छोटिन का। तो ये छोटिन बाद में बनाया गया है। ये हमारे आज के गाइड। अब हम पहुंच चुके हैं कर्शा मनस्ट्री। सो हर गुम्पे का शॉर्ट शॉर्ट सा वीडियो लूंगी मैं, अदरवाइज अपना वीडियो बनाने वाला तो कोई ही नहीं, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं दिखूंगी। इसकी मनस्ट्री कर्शा मनस्ट्री एंड पुख्ते मनस्ट्री और ठीक से गुम्पा सारा जो है जंगसम शरद जम्पो उनके फाउंडर है सारे। तो अभी अच्छे और हम लोकेशन करने गए हैं, मैं नहीं जा रही। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं तोंगबे मिनिस्ट्री। बहुत शॉर्ट शॉर्ट जो है मतलब रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अगर मैं सारा करती रहती वीडियो बनाती रहती तो बहुत ही आज का व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट ही बनाया है गाइस। तो अभी हम पहुंच गए हैं स्तोंगबे, तो शायद ये हमारा लास्ट है आज के लिए, और फिर कल हम जाएंगे पुख्तल मिनिस्ट्री। फिर अम्मा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो चलो, तो मैंने सोचा चल पड़ती हूँ। तो पुख्तल का मेरा भी इस साल का तीसरा ट्रिप हो जाएगा। सो गाइस हम पहुंच गए हैं स्तोंगबे मिनिस्ट्री। वैसे तो हर गुम्पे का हमने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है, तो इस बार जो है अलग लोगों के साथ है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बनाऊँगी, कि ऑलरेडी हम बहुत सारे डाल चुके हैं। एक बार हम श्वेता के साथ आए थे तब, फिर एक बार हम स्तोंगबे गुस्तों में आए थे तब, फिर उसके बाद हम दादा के कपल के साथ आए थे तब, फिर ये हमारा आज चौथा बार, इसी साल हमारा स्तोंगबे का चौथा ट्रिप होने जा रहा है। और ये देखिए, और अलग अलग सीज़न में, तो आज इस बार ये सीज़न है फोल्स, सीजन्स ऑफ फोल्स, पतझड़ के मौसम में। इस ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ हम पहुंच चुके हैं स्तोंगबे मिनिस्ट्री, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम यहाँ रुक गए हैं चाय और सत्तू खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए अंदर।
पॉसिबल होगा तो थोड़ा सा शूट करूँगी, अदरवाइज हर मिनिस्ट्री में जो है अंदर का शूट करना मना है। फोटो टाइम, सेल्फी टाइम विद द फैमिली। गाइस अभी हम चल रहे हैं वापस, तो ये देखिए लोगों का फोटो शूट अभी भी जारी है, खत्म ही नहीं हो रहे इनका फोटो खींचना। जारी रखो जारी रखो, हम चले। मौसम हो गए हैं कुछ इस तरह, मौसम ने अपनी करवट बदल ली। टमो मेरा गिन ले, ये देखो गिन ले कसाना ठंड से बचने के लिए। तो यहाँ पे तो लगभग आ ही चुका है पतझड़ का मौसम। काश इस पतझड़ के मतलब नज़ारों में कोई मेरे फोटो खींच लेता, कितना अच्छा होता। तो ये हमारे दो खूबसूरत कुड़ियाँ आते हुए। तो आज का दिन कैसा बीता आप दोनों का? बहुत ही बढ़िया। गुम्पा का नाम याद है? भूल गए। गुम्पा नहीं, क्या गुम्पा? स्टोंगदे गुम्पा। तो लगभग आज हमने 5 और 6 इतना गुम्पा कवर किया है, पर इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लिया है गाइस, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। और हम बहुत बार इन्हीं गुम्पाओं को बार बार रिपीट करके दिखा भी चुके हैं इसलिए। इन वादियों में टकरा चुके हैं। अब ये देखो कितने मस्त होके चढ़ते हैं, 1 2 3। हेलो, नहीं नहीं अब होटल में वो कमरा लिया है क्या? जी जी। अच्छा तो ऐसा करपो करपो।